लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। आपको शांति तभी मिलेगी जब आप तलवार चलाने के लिए राजी हैं और ये काबिलियत रखते हैं कि आप तलवार चलाएं। जब लोग आपसे डरेंगे तब जाके शांति होगी। अगर आप अमन की बात करेंगे, आप शांति की बात करेंगे, लोग आपको कमजोर समझेंगे। ये सच्चाई है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से सर। ये आपकी बात सही, बिल्कुल सही है। वैसे हमारे देवताओं को देखोगे, जैसे दुर्गा, उसके एक हाथ में फूल है, दूसरे हाथ में तलवार है। और हमारी महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने पहले कहा कि 5 गांव दे दो, ये जानते हुए कि वो इतने अहंकार में है। वो तो एक यानी जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरे यानी सुई की जो नोक है उस उतना जमीन भी नहीं देंगे। उसके बाद ही उन्होंने युद्ध किया, परंतु तो पूरा युद्ध किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कभी ऐसा अहिंसा ऐसी एक सिद्धांत नहीं थी कि हम सबके लिए सब चीज को त्याग करने के लिए तैयार हैं अहिंसा के लिए। वैसे हम कभी नहीं थे। इसको गांधी भी मैं नहीं चाहता समझता हूँ कि वो चाहते थे, परंतु अंग्रेज के सामने वो सोचते थे कि यही एक रास्ता है। इसको हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी टैक्टिक के जवाब में, यानी जो टैक्टिक्स कहते हैं और स्ट्रैटेजी कहते हैं उसमें हम कंफ्यूज किया। हमारे देश में जो चोला डायनेस्टी थी वो कंबोडिया तक गई, वियतनाम तक गई, और वहां जाकर आज भी आप मंदिर देख सकते हैं। और हमारे जो जब चाइना हमारे साथ यानी हमसे बुद्धिस्ट सिखाने के लिए, बुद्धिज्म सिखाने के लिए लोग मांगे, तो हमने वो भी भेजे उनको चाइना। तो बोधि धर्मा जो शाओलिन में गया, वहां उनको कराटे जो आज के जापान से आई हुई कि हम कहते हैं उसको चाइनीज वूशु कहते हैं, और ये कलरीपट्टू कहते हैं हम केरल में, और उसी कलरीपट्टू को हमने सिखाया उनको, और उसको चाइनीज ने कहा कि ये वूशु है, माने युद्ध के लिए शस्त्र है। तो उसको जापानीज में जब चाइनीज कैरेक्टर्स को पढ़ोगे तो कराटे होता है, और आज हमें कराटे सिखा रहे हैं सब के देश, हम जापान के कराटे सीख रहे हैं। तो ये हमारी हीन भावना के कारण ये सारी चीजें आई है। परंतु तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हथियार जो है वो हमें निश्चित तौर पर पूरा यानी उसकी संग्रह करनी होगी, और ये बात एक है। और दूसरा है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें भी समस्या आ रही है। अब मैं जा रहा हूँ एक 10 दिन के अंदर श्रीलंका, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं राजपक्षा, वो मुझे एक यानी दुर्गा पूजा के संबंध में और सरस्वती पूजा के संबंध में उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। और फिर मुझे वहाँ के जो मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने मेरे एक लेक्चर भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर लेक्चर कही है। अब वो आने के लिए तैयार हैं, परंतु तो हमको पहल करनी चाहिए। अब आखिर में मैं बोलते बोलते अब पता नहीं मेरे बोलने से कुछ असर हुआ कि नहीं, परंतु आज मैंने सुना कि हमारी फॉरेन सेक्रेटरी को श्रीलंका भेजा जा रहा है ताकि दोबारा हमारी जो दोस्ती है बनानी है। नेपाल, जिसको हम हिंदू ओनली हिंदू स्टेट कहते थे, उसके साथ हमारी झगड़ा है। और भूटान भी हमसे अलग हो गई है, ज़्यादा निकट हो गई है चाइना की। और बर्मा, बांग्लादेश, ये पड़ोसी देशों में भी हम लोगों को कुछ एक नीति बनानी चाहिए, जिससे जैसे आपने कहा कि चाइना के बारे, जिसके बारे में अभी टिप्पणी करके फिर मेरे साथी हैं उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। बट ये मैं कहता हूं कि हम लोगों को जानना चाहिए कि अपने चाइना के बारे कहते हैं, परंतु क्या चाइना हमारे जो लोग हैं, जो हमारी जो सिद्धांत है, हमारी जो धर्म है, इसकी प्रचार के लिए चाइना में इसे लोग आते थे? यहाँ आज भी एक सिनेमा बनाई है चाइना ने, जिसमें एक
ह्यून सांग जिसको कहते हैं, यौन छांग वो कहते हैं, वो कैसा भारत आने के लिए किस कितना उसने संकल्प किया, कितना मुसीबत उठाकर भारत आया और यहाँ से सीख कर फिर यहाँ से फिर डॉक्यूमेंट्स ले गए। तो दूसरा है कि हमारे पड़ोस देश जो इंडोनेशिया है वो मलाका स्ट्रेट के उस तरफ है और हमारी यानी अंडमान निकोबार तो बिल्कुल उसका निकट है, सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। तो हम एक तरफ इंडोनेशिया, दूसरे तरफ भारत बैठ जाएं तो कोई चाइनीज की जहाज इंडियन ओशन नहीं पहुंच सकती है पैसिफिक ओशन से, वो घूम के आती है और फिर इस जो मलाका स्ट्रेट है उसके जरिए से निकल के जाती है। तो इन चीजों को हमने स्ट्रेटेजिक डिस्ट्री जिसको कहते हैं उस स्ट्रेटजी के रूप में हमने इसको कभी नहीं देखा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो पुराने इतिहास है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, लोग कहते थे कि आज तक किसी ने अफगानिस्तान में किसी को अफगानिस्तान को कभी हराया नहीं, मैं कहता हूँ कि राज की हमने, वो है महाराजा रंजीत सिंह की आपने कहा था, अपने टिबेट के बारे भी कहा था, हमने कई जगहों में जाकर हमने राज की है और राज ऐसे की है कि वहां हमने जो संस्कार दी, संस्कृति दी, उसको लोगों ने स्वीकार किया। चाइना का एक महा यानी बहुत बड़ा स्कॉलर जो पीकिंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उसने एक आर्टिकल लिखी थी जो उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट की थी, जिसको मैंने अपने पुस्तकों में अभी हिमालयन चैलेंज में मैंने रिप्रोड्यूस किया है। उसने कहा इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना, और कैसे हमारे चाइनीज लोग हिंदुस्तान से हर चीज के लिए, हर सांस्कृतिक चीजों के लिए भीख मांगते थे, इस आर्टिकल में है जो कोई एक चाइनीज कभी मना नहीं कर सकता। तो आखिर बात मेरी यह है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हमारी दीर्घ काल के लिए चाइना से हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे मौका आते हैं जहाँ हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि भाई हम भी आपको धकेल सकते हैं, जैसे आप घुस गए वैसे ही हम आपको बाहर निकल सकते। हमें कोई अब और कोई ऐसी बड़ी हमारी विवाद नहीं है चाइना के साथ, परंतु चाइना जरूर लद्दाख में आ गए हैं, वो बातचीत से सुन नहीं रहे हैं, और हमारे लोग एक बार अपने यानी हथियार के बिना गलवान में चाइना के जितने लोग हमारे बलिदान हुए उसके डबल चाइना का हुआ था कम से कम ये अभी गलवान में। तो इसी प्रकार से 1967 में नाथुला में चाइना के साथ हमारी आक्रमण हुई थी, 5 साल के बाद यानी 1962 की जो नेहरू का जो कलैप्स हुआ उसके बाद वहाँ हुआ और वहाँ हमने पीट कर उनको बाहर भगा दिया था। फिर 87 में सुमदुरुंग चू वैली में अरुणाचल में हमने इसी प्रकार से उनकी पिटाई की। तो हमने छोटी अब उसका पब्लिसिटी नहीं की क्योंकि कई हमारे ब्यूरोक्रेट्स कहने लगे इससे और भड़केंगे चाइना, तो दबा दो मत बताओ। गलवान पर भी जो हम लोगों को डंडोरा पीटना था हम पीटे नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने जो कहा कि जो पुरुषार्थ आपकी ललकार दिया इन्होंने, उसके लिए सही जवाब देने की आवश्यकता है और इसमें कोई ऐसी परमानेंट दुश्मनी की सवाल नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि भारत भी लड़ सकता है और किसी बात में पीछे नहीं हट सकता है। आज जो इम्प्रेशन आ रही है कि हम चाइना के साथ लड़ने जाते हैं, उसका तो इंटरप्रिटेशन हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसमें ये है कि चाइना से हम डर गए, तो ये इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। और लद्दाख में निश्चित तौर पर चाइना को खाली कराना चाहिए और उसके बाद चाइना से कहना चाहिए अब बात करें। तो मैं ये कहकर मैं अपने मित्रों को कहूंगा कि आप भी सवाल पूछिए, फिर आप आखिर में आप संबोधन करिए। जगदीश, या आई हैव अ क्वेश्चन बेसिकली बिकॉज फॉर आवर इंग्लिश ऑडियंस आल्सो आई हैव अ क्वेश्चन टू मेजर गौरव आर्या। इन दिस होल क्राइसिस
Do you think India was lacking far behind in its strategy or playing a role in the Afghan crisis when all the other major powers around us or around the globe were being in one group or the other? Do you think that India was lacking in its strategy and planning in this present crisis? That is what many of our viewers would like to know. We will have a now discussion both in Hindi and as well as in English. So I would request Major Gaurav Arya to kindly please respond to this. Mr. Jagdish Shetty, sir, you're right. When you say that our response was lacking, and this response has been traditionally lacking. I mean, it's not something that happened today. It's been forever lacking. You see, we say something and we do exactly the opposite. So we say that India will become Vishwaguru by doing yoga. It won't happen. You become Vishwaguru when people start recognizing you as Vishwaguru. And how do you do that? You are willing to put yourself in harm's way. So good that we got out our people from Afghanistan. Good. Every country should do it. We have also done it. But beyond that, what? Beyond that, what? Beyond that, we need to have a complete foothold in Afghanistan, and not just foothold, a visible foothold. You see, I'm sure there are behind the scenes diplomacy taking place with the Taliban. I'm very sure. I'm not saying it's not happening. I don't know about it because I'm not part of the government. But at the same time, I would like to say that it has to be visible. For example, if it is not visible, then people will doubt you. We conducted a very beautiful airstrike in Balakot. And there were people inside India who were saying, where is the proof? In today's day and age of social media, there will be people from your own side. Forget about Pakistanis or Chinese. Forget about that. There will be people. It has to be visible. We used Spice 2000 bombs, which drilled a hole and which killed everybody inside. But the building was standing. Now, nobody had ever heard of Spice 2000 outside military circles. So when you drop a bomb, it should look like a bomb. The building, that's what we know of. The building should explode. So building didn't explode. So people said, yeah, hua kya? So my only contention is that if you look at that one thing in Balakot, that is actually the entire focus of India's, not foreign policy, but India's attitude that karo, logon ko bura nahi lagna chahiye, don't do this. Don't. So we sort of soft pedal a lot of stuff. We need to be more aggressive. We need to be more in your face, more unapologetic. As far as Afghanistan is concerned, it does not matter. There was a Pakistani army brigadier or general who asked me on television, that why is India interested in Afghanistan? You know, you're not even neighbors. Why should you be interested in Afghanistan? I said, sir, even Americans are not neighbors of Afghanistan, but you took $33 billion from them. You see, when you take money, you Pakistaniyon ko paisa de do, to America aur Afghanistan ko neighbor bana denge. You see, that is the level of But POK is a neighbor of Afghanistan. And absolutely. That is our territory. Yes, absolutely. Yeah, sir. You're right, sir. But this is our territory, sovereign territory. We have all the right on it. And this thing, so I fully agree with whatever Dr. Swami is saying. I think he's bang on target on this. Bang on target. So, Dr. Swami, Ramesh. Yeah. So, thank you, Major. So, I have a question. So, China's involvement in this crisis, right? I mean, is it pushing? One of the questions I have is this crisis an advantage for China because India is going to be focused on POK or that kind of line of control and not focus on the Galwan Ladakh area? Is that an advantage for China? I don't think it's an advantage for China because Pakistan sold, it sold Chinese goods to the Chinese. What Pakistan said was, we absolutely control the Taliban. Don't worry. Now, how does China get into Afghanistan? A, through Pakistan, B, Wakhan corridor. So it's not that they need Pakistan to get into Afghanistan. But the Chinese have never put troops on the ground in any country. They might have naval bases where a submarine will come or a destroyer and an aircraft carrier will come and dock. That's fine. But they haven't put combat troops on the ground. And they will not put combat troops on the ground. So as far as Pakistan is concerned, today Pakistan, there's a very interesting thing which I would like to tell you, Ramesh ji, that ever since the Taliban has come to power, the
attacks by the Tehreek-e-Taliban Pakistan, which is a Pakistan-based Pashtun terrorist outfit, on the Pakistani army has doubled. Which was not supposed to be like that. And all these attacks are happening from Afghan soil. So the fact of the matter is that Tehreek-e-Taliban Pakistan and Afghan Taliban are two sides of the same coin. That is number one. Number two, these people are uncontrollable even by the Chinese. Even by the Chinese, because they're not a homogeneous entity. It's not like you control one sect of the Taliban and say that, okay, now China is good. Now China wants to go to Iran through Afghanistan. You see, now what should we do about it? A, if I may speak very bluntly, keep Afghanistan unsettled. Pay money, keep Afghanistan unsettled. The more unsettled it is, the lesser the Chinese will go there. What you have to spend huge amounts of money because that country grows nothing but drugs, you know. So there isn't much happening in terms of economy. So this is also a fact. I mean, the Chinese, you spoke about the line of actual control. The Chinese will keep on pushing you. Just like Dr. Swami said, a response has to be given. Mutual respect comes from strength. It does not come from weakness. If the Chinese try to come inside, you also go inside. And once you go inside and let them also come inside, and then you shake hands and say, "Acha, tum bhi andar nahi aoge hum." It is called counter-intrusion in the army. You just put 10,000 troops inside China. That's it. And there are so many places where we have the strategic advantage, where we have the tactical advantage, where we are at a height. We can just simply walk down. I was posted at such a place. I was posted at a post called Shipkila in Himachal Pradesh, where you could absolutely, you could take a motorcycle and go down to China. There were no roads, but it's a very gentle slope. You can walk down and occupy Chinese territory. But you see, you need a certain kind of aggression. You need to call, because China has in the past 50 years not won a war. And China is afraid of bloodshed. Let's be very frank. China is afraid of body guns. If you don't blink, they will back off. But if you blink, they will gobble you. So more in jest again, Major, it's not on you. I'm just saying, instead of having a 56-inch chest, it's better to have a 56-inch spine of stainless steel. So let me leave it at that. So coming to taking one point about the terror outfits, is this crisis, will this be utilized by the LETs and Jaish-e-Mohammeds, etc., to restart their camps? Absolutely, absolutely. In Afghanistan, they have seen, whatever the Taliban might say, that we will not allow our land to be used against the Indians or any neighboring country. That's not true. The ideology of the Lashkar-e-Tayyaba, the Jaish-e-Mohammed, the Al-Qaeda, it's absolutely the same, right? Now, they might say, you can intellectualize this by saying that, no, these are Salafists, these are Deobandi, these are that. In the end, what they would want to do best is kill you and me. I mean, So let's not intellectualize it. That's what they want to do. They want Sharia everywhere. They want to invade lands. This is their basic. This is what gives them their strength, that we are willing to die for our faith. And this is what they say. So Lashkar-e-Tayyaba and the Jaish-e-Mohammed have found. See, Pakistan is under the FATF. It's in the gray list. Today, Pakistan, when Pakistan says that we do not harbor terrorists, so there are no terrorist camps in Pakistan. I'm sure there are terrorist camps in Muzaffarabad, but in mainland Pakistan, if I may use the word mainland Pakistan, like when you land in Hong Kong, you talk about mainland China. So when you talk about mainland Pakistan, Pakistan will try its best to shift all the camps to Afghanistan, because nobody's going to Afghanistan and check. There is no United Nations in Afghanistan, and tell the UN inspectors, come, see, we have nothing. And the fact of the matter is, the distance from Afghanistan to Kashmir is less than 150 kilometers as the crow flies. There you go. You brought up the most important point. So the pressure on POK and the border on LOC is going to be higher, intensifying now. Absolutely, yes. And more than that, the radical elements, the jihadi elements in Kashmir, who had literally gone to sleep, are waking up again inside Exactly. Kashmir. Exactly. Okay. I have no more questions. You answered all of them before even asking. Arvindji, go ahead. Dhanyavad. Major Gaurav Arya and Dr. Swami, dono is prashn par mere tippani karenge. Aisi mujhe aasha hai. सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है उसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसके बहुत आयाम हैं। एक जो सबसे बड़ा आयाम यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो व्यापार है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट,
हम 50 चीज यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, हालांकि उसकी जो मात्रा थी वो पिछले 10 सालों में 2010 के बाद उसमें बढ़ोतरी हुई है। जैसे जैसे अफगानिस्तान ने डेवलपमेंट शुरू किया, जैसे जैसे अफगानिस्तान ने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, वैसे वैसे हमारा ट्रेड अफगानिस्तान के साथ बढ़ा और हमने अफगानिस्तान के साथ इम्पोर्ट करना भी शुरू किया। अगर हम ट्रेड को मिलाएं दोनों को, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को, तो 12-13 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हम अफगानिस्तान के साथ करते थे। अब अभी दिल्ली में सर्दी आने वाली है, पूरे उत्तर भारत में सर्दी आने वाली है, सर्दी में जितनी ड्राई फ्रूट की खपत होती है पूरे साल में, उसकी 50% अगले 3 महीनों में होने वाली है, और एक बड़ा मात्रा उसका अफगानिस्तान से आता था, चाहे वो अखरोट हो, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो किशमिश हो, चाहे वो काजू हो, अलग अलग कैटेगरी। और अगस्त में जब ये क्राइसिस शुरू हुई, दिल्ली के अंदर 400-500 रुपए किलो भाव बढ़ गया, यानी कि जो दिल्ली में जो गिरी मेवा मिलती है, जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, उसका भाव अफगानिस्तान की क्राइसिस ने बढ़ा दिया, पहली बात। दूसरी बात, भारत का जो है 20,000 करोड़ रुपए का निवेश इन्वेस्टमेंट वहां प्रोजेक्ट्स में था, और वो जैसे जैसे तालिबान का असर वहां बढ़ता गया, लोग वापस आते गए, 3,000 कर्मचारी भारत के उन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, और जुलाई और अगस्त के महीने में इवैक्यूएशन हमने किया, सब कुछ किया, उन लोगों को यहाँ बुला लिया, उनकी बेरोजगारी का सवाल है। अफगानिस्तान के कम 5,000 विद्यार्थी भारत के प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ते हैं, आप यहाँ से लेके पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, खासतौर से उत्तर भारत और मध्य भारत में, दक्षिण भारत में वो लोग कम जाते हैं, शायद उनको थोड़ा संस्कृति का, कल्चर का थोड़ा डिफरेंस लगता है। आप दिल्ली के लाजपत नगर में चले जाइए, दिल्ली के लाजपत नगर आधा अफगानिस्तान की जो चीजें मिलती हैं सारी चीजें अफगानिस्तान में, कोई अफगानी ऐसा नहीं होगा जो दिल्ली आया हो और लाजपत नगर में नहीं चले। तो लाजपत नगर एक मिनी अफगानिस्तान का एक कैंप जैसा बन गया है, उन सब पे असर पड़ने वाला है, हमारे व्यापार पे असर पड़ने वाला है, हमारे एजुकेशन पे असर पड़ने वाला है, जो हमारे लोग वहां काम कर रहे थे। आप कहोगे नहीं 3,000 लोग तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर 3,000 लोग बेरोजगार हो भी जाएंगे तो भारत में उनको रोजगार मिल जाएगा, भारत में रोजगार की क्या स्थिति है हम सबको पता है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे असर हमारे पड़ने वाला है और जो शिक्षा के क्षेत्र में असर करने वाला है, मैं चाहूंगा आप और डॉक्टर स्वामी इस पर टिप्पणी करें। डॉक्टर स्वामी सर, देखिए ट्रेड अफगानिस्तान से इसकी असर होगी और इसीलिए चिंता तो है, परंतु मैं ये नहीं समझता हूँ कि जब तक जो मूल बात मेजर आर्या ने अपने भाषण में कहा कि आप जो जहाँ से समस्या उठी है वो है तालिबान ने अफगानिस्तान की कब्जा करके, और हम लोगों ने अपनी ये सारी जो चीज़ों को सुरक्षा करनी थी तो हम लोगों को अमेरिका के साथ जैसे अमेरिका ने आमंत्रित किया था उस समय जाकर 20,000-40,000 हमारी सेना को वहाँ भेजना चाहिए था। ये कहना कि हम विदेश नहीं भेजते हैं, आर्य साहब ने बहुत मेजर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से उसकी खंडन की है। मैं ये कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें कितने लोगों को हम भेजते हैं, 120 देशों में हमने भेजा है और वहाँ कई जगहों में लड़ाई भी हुई है जहाँ वहाँ हमारे लोग घायल हुए मरे हैं, ये सारी है। जब यूगोस्लाविया का टुकड़ा हुई थी तब भी हमने भेजा था। तो मैं ये कहता हूँ कि आज इसके लिए इलाज ढूंढना, यानी किसी की हाथ कट जाए उसके बाद इलाज क्या है कि दोबारा हाथ कैसे उसकी यानी नया हाथ बनेगी, इस पर हम सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी सुरक्षा कभी नहीं हो सकती है। तो एक बात ये है। दूसरी बात मैं ये कहने चाहता हूँ कि अमेरिका कहती है कि चाइना से खतरा अब ना हिंदुस्तान के लिए ना अमेरिका के लिए कि चाइना के सेना आ जाएगी, और जैसे मेजर आर्या जी ने कहा चाइना तो वैसे भी फौज को दूसरे देशों में भेजने के लिए तैयार नहीं है, हाँ जहाँ सीमा है वहाँ इधर उधर वो
जैसे टिबेट का उन्होंने हम जाके लिया, वैसे कर सकते हैं। परंतु चाइना आज जो प्रवेश कर रही है अनेक देशों में वो है सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, माने साइबर वॉरफेयर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार से चाइना कर रही है। तो अमेरिका आज कहती है कि हम लोगों को चाइना का जो सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ों का जो उपयोग हो रही है उसके खिलाफ हम चाइना को आइडेंटिफाई करके हम दोनों मिलकर के काम करें। इसको हमारी भारत सरकार ने नहीं मानी, इसीलिए क्वाड शुरू की थी बड़े यानी नाचगाना के साथ, परंतु अब क्वाड का पांच नए परिभाषाएं आ गए, एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ और दूसरे आप देखिए अफगानिस्तान की सारी चर्चा हुई, हमें कहीं बुलाया, वहाँ पाकिस्तान न थे, वहाँ पाकिस्तान था, अमेरिका था, चाइना था, यही चार पांच देश थे, हम लोगों को कहीं नहीं बुलाया, ना चाइना के ना रशिया ने जो बनाई एक ग्रुप वो उसमें भी नहीं, अफगानिस्तान में किसी ने हमारी ये नहीं ख्याल नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भविष्य है उसमें ज्यादातर युद्ध होने वाली है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए, और उसमें अमेरिका कहती है कि देखिए रूस जो है आज इतना कर्जा में फंसा हुआ है चाइना के साथ, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाई उसके बाद इन्होंने कर्जा ली यानी ऋण ली चाइना से, और अब वो वापस नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा ले ली, जैसे अब श्रीलंका भी पछता रही है तो वैसे ये भी पछता रहे। तो आज जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कहते हैं रशिया जो है वो पुराना सोवियत यूनियन नहीं है, वो तो 16 देशों में टूट गई थी सोवियत यूनियन। अब ये आज जो हम ताजिकिस्तान की बात कर रहे हैं वो तो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उज्बेकिस्तान भी उसका सोवियत यूनियन का हिस्सा था, आज तो सब अलग देश बन गए ना। तो जो है बाकी मॉस्को के साथ वो है रशिया, और रशिया जो है वो आज चाइना का जूनियर पार्टनर है। एक चीज में बता दीजिए जहां रशिया ने अब चाइना का विरोध किया, हमारे जो आक्रमण हुआ हमारे लद्दाख में, रशिया ने हमारे क्या कहा, नहीं नहीं इसमें बातचीत कर लो, मॉस्को आ जाओ बातचीत करा दूंगा, दोनों की भेंट करा दूंगा, यही किया है, एक जगह भी नहीं कहा कि चाइना ने गलत किया। तो ये आपका कभी मित्र नहीं हो सकते, अमेरिका हो सकती है, परंतु तो अमेरिका का कंडीशन है कि आप रशिया का जो इक्विपमेंट है S-400 वो खरीदोगे, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक सब चाइनीज की है, तो ये तो उड़ेगा भी नहीं, हवाई जहाज में आप इसको अटैच करके भेजोगे तो हवाई जहाज से गिर जाएगी या हवाई जहाज की उल्टा चलेगी इसकी। तो मैं ये मूल सवाल ये है कि क्या हम मिलिटरीली अमेरिका के साथ मिलने के लिए तैयार होंगे, और जब तक चाइना हमारे साथ दोस्ती नहीं करेगी तब तक हम अमेरिका के साथ चाइना का मुकाबला करने के लिए पूरा सहयोग करेंगे, ये पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेजर साहब जी 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 पहले तो मैं डॉक्टर चतुर्वेदी सर आपने जो सवाल पूछा सर ये अब देखिए अफगानिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, अगर आप भेजते भी अगर आपके पास आप कुछ भेजते भी हैं दे हैव नो मनी टू गिव यू सर, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अब अफगानिस्तान में जो इशू है वो थोड़ा सा बादाम पिस्ते से थोड़ा सा बड़ा हो गया, वहां पे लोग मर रहे हैं। तो ये जो भी बादाम अब आए मुझे लगता है लाजपत नगर में वो आए ईरान से, ईरान ऑल्सो हैज अमेजिंग ड्राई फ्रूट एंड वी शुड टैप ईरान या कुछ हम ऐसा करें ईरान। दूसरी चीज ये है कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें जो तोड़ है सिर्फ ड्राई फ्रूट का नहीं बट ऑल्सो जियो स्ट्रेटेजी का जो तोड़ है मेरे हिसाब से ईरान है। ईरान के पास वो हर चीज है जो कि पाकिस्तान के पास है, ईरान के पास अफगानिस्तान का साथ बॉर्डर है, ईरान का डायरेक्ट रूट टू सेंट्रल एशिया है, ईरान के पास अच्छे पोर्ट्स हैं, डीप सी पोर्ट्स हैं, और ईरान के पास एक और चीज है जो इस पूरे एरिया में किसी के पास नहीं है, वो तेल है। ईरान इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल एंड गैस। एक और चीज जोड़ दूंगा ईरान शिया है, सुनी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट सर, ईरान शिया है।
प्रॉब्लम यह है कि इनका 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो ये प्रॉब्लम हुआ है वहां पे कि इसको, और अमेरिकन ने भी थोड़ा सा एक इमोशनल स्टैंड ले लिया, उन्होंने भी ले लिया, बीच में इजराइल का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि यू नो डेथ टू इजराइल, इजराइलीज को हम मार देंगे, ज्यूज को मार, ये सब ऐसी बातें करते हैं। अगर आपको पाकिस्तान को आइसोलेट करना है तो किसी ना किसी तरीके से आपको ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना पड़ेगा। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है डॉक्टर चतुर्वेदी सर? पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान से मिलती है और पाकिस्तान के पास एक सी पोर्ट है। अगर आप ये दोनों चीजें हटा दें तो पाकिस्तान हैज नो इंपॉर्टेंस एट ऑल। पाकिस्तान वहां पे होता तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको जाना है सेंट्रल एशिया, आपको जाना है अफगानिस्तान, कहां से जाएंगे आप? आपको सेम चीज आपको ईरान प्रोवाइड करता है और इट्स अ मोर स्टेबल रेजिम ईरान में ये है क्वालिटीज जो हमें इसको वो करनी चाहिए। और आखिरी चीज जो हमने बात करी थी कि जो चाइना का है, क्या हमें एहतियात बनाना चाहिए, क्या हमें और एक वो बनाना चाहिए? देखिए, चीन के खिलाफ आपको क्वाड इसीलिए बना, ऑकस इसीलिए बना बिकॉज पीपल रियलाइज चाइना इज टू बिग। आपने पहले चाइना को इग्नोर करा, इंडिया ने भी इग्नोर करा सर। हमारे जो तीन स्ट्राइक कोर हैं, वन कोर, टू कोर एंड 21 कोर, ये सारे के सारे तो दे आर पाकिस्तान फेसिंग। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में, आपके हिंदुस्तानी के दिमाग में एक बात बोली, 1947-48 की लड़ाई कहां हुई? हिमालयाज में हुई। 62 की लड़ाई कहां हुई? हिमालयाज में हुई। 65 की कहां हुई? जम्मू पंजाब राजस्थान के एरिया में हुई। 71 की कहां हुई? ईस्ट में हुई। आपकी जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं ये ऊपर की ओर हुई हैं, लुकिंग अप। तो योर 70% 80% ऑफ द बजट वेंट देयर ओनली, आपने नीचे देखा नहीं, असली एक्शन तो समुद्र में, साउथ में। नाउ इंडिया इज वेकिंग अप टू द फैक्ट दैट वी नीड मोर न्यूक्लियर सबमरीन्स, हमें और ज्यादा एयरक्राफ्ट और डिस्ट्रॉयर्स चाहिए। और जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत अच्छी बात करी, मलाका चौक की बात करी उन्होंने, इफ यू चौक द मलाका देन दे हैव हैड इट, सो नाउ दे आर रियलाइजिंग। तो ऑकस का क्या काम है, क्वाड का क्या काम है? इफ यू वेपनाइज द क्वाड, इट्स ऑलरेडी वेपनाइज। वो अच्छी अच्छी बातें वैक्सीन की करते हैं, बट आई थिंक दैट्स मोस्टली यू नो एक स्क्रीन सेवर टाइप अकॉर्ड का, इसके इंटेंट इतने नोबल नहीं है जितना बोलते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। डॉक्टर स्वामी, टाइम फॉर टू शॉर्ट क्वेश्चंस, वन फ्रॉम तेजस। तेजस गो अहेड। मेजर गौरव आर्य जी और डॉक्टर स्वामी, आई हैव वन क्वेश्चन। लाइक नाउ वी ऑल्सो सॉ दैट ऑन द cyber war front, like there are many attacks growing in, like as per the government home ministry in 2020, like 2020 we had around 300% in the increase of the cyber attacks. So how much do you think we are focusing on this aspect also, apart from China intruding our territory? How, because we saw example of that there was an attack in Mumbai where our entire power grid was brought down. So how much are we focusing on that front as well? How much we are focusing on the development, or how much importance we are giving on that front as well? So should I answer, Dr. Swami? Yes, of course, sir. Okay, thank you, sir. Tejas ji, not very much. In fact, suboptimal. We are not focusing on that very much. जो बात डॉक्टर स्वामी ने करी, ही स्पोक अबाउट फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, वी ऑल्सो कॉल इट नॉन कॉन्टैक्ट नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, राइट, हाइब्रिड वॉरफेयर। इन दिस वॉरफेयर द ब्यूटी इज, इन द ओल्ड कन्वेंशनल वॉरफेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द आर्मी और द एनिमी। इन दिस न्यू टाइप ऑफ वॉरफेयर दैट डॉक्टर स्वामी इज टॉकिंग अबाउट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। The larger term used is influence operations. Cyber is one part of it. Propaganda is other part of it. China follows the three warfare strategy, right? Number one, information warfare. Number two, media warfare. Number three, legal warfare. And today we are lagging behind. We are trying to cope, but our speed is slow. And this is the future warfare. It may, I'm not saying there will never be a war involving tanks and aircraft. I'm not saying that. I'm not willing to make that statement, but more and more countries are realizing, like for example, look at Pakistan. Without firing a single bullet, the Pakistani rupee has crossed 171 to a dollar. The day it crosses 200,
they'll be jumping on the roads. This is economic warfare. So this is what is happening. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं. थैंक यू.